नेचुरोपैथी में हर एक जो बीमारी है, हर एक जो डिजीज़ है, उसका ट्रीटमेंट है। उसके लिए आदमी को लाइफ स्टाइल्स को चेंज करना ही पड़ेगा। और आज देख रहे हैं घर में 5 सदस्य हैं तो 3 लाइफ स्टाइल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं जी, और 8 सदस्य हैं तो 5 कर रहे हैं। आपने बताया कि एक बच्चा, उसका महज बहुत ज़्यादा वेट था, लेकिन महज कुछ दिनों में ही 14 kg उसने जो रिड्यूस किया है। व्हाट इज़ द प्रॉपर प्रोसीजर? हम लोग योग की और डाइट की और हमारे ट्रीटमेंट की तीनों की चेंज से हम उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। तो उससे जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो वेट रिडक्शन में बड़ा इजी फार्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं। खास मुलाकात, खास मुलाकात। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम टीवी चैनल। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र विशिष्ट जी के साथ, जो कि एक जाने माने नेचुरोपैथी विशेषज्ञ हैं। उनके साथ बात करेंगे और ख़ास तौर पर जानेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो एलोपैथी मेडिसिन में, या फिर बात करें और मेडिसिन में, उनका जो है फेथ बहुत रहता है, लेकिन नेचुरोपैथी के बारे में अगर बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही बढ़िया है। बात करेंगे सर से। सर, बेसिकली तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी क्या है और कैसे काम करती है। हमारे पहले इस बात तो मैं आपका चैनल का, चढ़ती कला का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप प्राकृतिक चिकित्सा को इस देश में फैला रहे हैं, उसकी खुशबू की जो आवश्यकता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जी, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। और 500 तत्वों से सृष्टि बनी है, 500 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और अंत जब होता है व्यक्ति का तो इन 500 तत्वों से ही विलीन होता है, तब हमारा मोक्ष संभव है। तो हम प्रकृति ये कहती है कि आप मेरे साथ एक माँ की तरह स्नेह रखोगे तो मैं आपका बड़ा ख्याल रखूँगी, यदि आप मुझसे दूरी बनाओगे तो मैं आपको पनिश करूँगी, मीन्स कोई भी एलिमेंट, कोई डिजीज डिसऑर्डर देंगे। तो हम लोग 5 तत्वों के आधार पे लोगों की चिकित्सा करते हैं। हमारे कंसेप्ट में कोई दवा नहीं होती जी। हमारे कंसेप्ट में आहार का बहुत बड़ा रोल है, आहार हमारी औषधि है। और योग, मेडिटेशन से, योग से हम क्या करते हैं कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हार्मोन्स है उनको हम लोग मैनेज करते हैं। और मेडिटेशन से हम लोगों की मानसिकता जो है उसको, जो आज स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, उसको मैनेज करते हैं। और नेचुरोपैथी जो ट्रीटमेंट है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश है, इनसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक जो फंडा है वो क्या है कि टॉक्सिन्स बॉडी में किसी भी फॉर्म में जाएगा, और चाहे वो पोल्यूशन से जाए, चाहे वो आपके गलत आहार से जाए, चाहे गलत विचार से जाए, चाहे गलत आपका प्रदूषण से जाए, किसी भी चीज़ से, तो इन सब चीज़ों का योगदान है जिसकी वजह से हमारे अंदर टॉक्सिन्स हो जाता है, उस टॉक्सिन से डिजीज़ और डिसऑर्डर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से क्या करते हैं कि डिटॉक्स कर देते हैं। तो वो नेचुरोपैथी का बेसिक फंडा है, उसमें बेसिक है आहार, विहार और व्यवहार और व्यायाम। इन चीज़ों की ये सीढ़ियाँ हमारी, इन सीढ़ियों पे हम कहते हैं, इन सीढ़ियों पे चलो जीवन का अलग आनंद है। अभी मैंने एक रिसेंट एक नया नारा दिया है लोगों को, मैं कहता हूँ इसमें अच्छा परोसो और इसमें अच्छा परोसो, बीमारी नहीं है। मन बीमार होता है और तन को सफ़र करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि मन को इतना निर्मल रखो, इतना सकारात्मक रखो कि आपके नज़दीक बीमारी नहीं आए, क्योंकि मन बीमार होगा तो तन को सफ़र करना पड़ेगा। तन बेचारे क्या है कि इसको तकलीफ जो है वो झेलनी पड़ती है जी। तो आपको, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे लोगों को कि प्राकृतिक चिकित्सा में आदमी को गंगा की तरह डुबकी लगाने आना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज और है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं है। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि 4 पीढ़ी इकट्ठी आ जाओ मेरे पास, उन 4 पीढ़ी को जैसे लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं तो एक बच्चे को भी हम लोग गोता मरवा देते हैं, नहला देते हैं, उसको डुबकी दिलवा देते हैं, सेम वो स्थिति है कि बुजुर्ग उसके पड़दादा से लेके और उस पड़पोते तक को हम लोग नेचुरोपैथी करवा देते हैं, जिससे हम उसकी एक कहते हैं कि एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, गाड़ी चाहे कितनी बड़ी हो उसको भी सर्विस करते हैं, तो नेचुरोपैथी वो डोर है जिसके अंदर आदमी को एक रिजुवेनेट होने का मौका मिलता है, रिचार्ज होने का मौका मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होने का मौका मिलता है, ये नेचुरोपैथी है जी। डॉक्टर धर्मेंद्र, अगर बात करें तो आज की डेट में हम देखें तो हर एक पर्सन को कोई ना कोई बीमारी है, अनगिनत बीमारियां हैं, किसी को कैंसर है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को माइग्रेन है, तो किसी को कुछ है। तो ऐसे में नेचुरोपैथी में हर एक जो बीमारी है, हर एक जो डिजीज़ है, उसका ट्रीटमेंट है। नेचुरोपैथी में, नेचुरोपैथी कहती है कि लाइफ स्टाइल आप ठीक रखो, आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठें और सूर्य अस्त के टाइम पे आप भोजन कर लें। आपका जैसे सूर्य का हमारा चक्र चलता है तो सूर्य
का पूरा पृथ्वी का जैसे चक्र होता है वैसे हमें चलना चाहिए। पर हम लोगों की आज आदत क्या होगी कि हम लोग रात को 2 बजे खाना खा के कहते हैं कि हम डिनर कर रहे हैं जी। तो वो एक बड़ा कष्ट का विषय है और शब्द में भी एक कहीं झलक नहीं आती कि इसमें कोई मीनिंग है, मीनिंगलेस है वो। दूसरा आपको बताऊं कि जितना लाइफ स्टाइल इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, डायबिटिक है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंसिव जैसे आपने काफ़ी इश्यूज़ बढ़े, उनको हम लोग विदाउट मेडिकेशन मैनेज करने का तरीका क्या है, हम लोगों को सुबह 5:30 बजे उठाते हैं, उसमें हम रेस्पिरेटरी को क्लीन कराते हैं, फिर योगा कराते हैं, फिर उनको बड़ा लाइट ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर हमारे ट्रीटमेंट्स की चैन होती है, फिर हम लंच देते हैं, फिर ब्रेक देते हैं रेस्ट का, फिर सेकेंड ट्रीटमेंट में कोई भी इश्यूज होता है उनको हम ट्रीट करते हैं, फिर हम शाम को मेडिटेशन कराते हैं। तो एक हमारा ऐसा शेड्यूल है, हम चाहते हैं कि उसका 40% 60% भी आदमी जीवन में अडॉप्ट कर ले, फॉलो करे, तो मैं कहता हूँ बीमारी नहीं रह सकती। और उसके लिए आदमी को लाइफ स्टाइल्स को चेंज करना ही पड़ेगा। और आज देख रहे हैं घर में 5 सदस्य हैं तो 3 लाइफ स्टाइल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं और 8 सदस्य हैं तो 5 कर रहे हैं जी। मैं कहता हूँ कि ट्राई सिटी के नज़दीक इतना सेंटर है, नज़दीक है, लोग दूर दूर जाते हैं, उसकी फ्लाइट में हमारे यहाँ काम हो जाता है जी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी चंडीगढ़ की, मोहाली की, पंचकुला की ट्राई सिटी के लोगों से विशेष अपील करूँगा कि हर व्यक्ति को इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए आना चाहिए और अपने आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको मैनेज करना चाहिए। जैसे आज आप, मैं बात करूँ कि लीवर के इश्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं जी। 87% समथिंग लोग आज लीवर फैटी से सफ़र कर रहे हैं और लीवर को हमने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए कि आप केवल आहार से, आप 10 डेज के बाद में हमें रिपोर्ट्स बताता हूँ आपको कि उन रिपोर्ट्स को आप देखो। और मैं तो लोगों को कहता हूँ टैली करना मेरे यहाँ के उस रिपोर्ट्स को, 10 डेज में वो रिपोर्ट्स और आफ्टर रिपोर्ट्स, उसके बाद में देखना चेंजेस। सर जैसे ही हम जहाँ पर पहुँचे तो आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी वेट रिड्यूसिंग के रिगार्डिंग। आपने बताया कि एक बच्चा, उसका महज बहुत ज़्यादा वेट था लेकिन महज कुछ दिनों में ही 14 kg उसने जो रिड्यूस किया है। तो व्हाट इज 40 बिग सर इसके साथ जी। तो इसी के साथ बात करें, व्हाट इज़ द प्रॉपर प्रोसीजर, कैसे इसको हम जो ले सकते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है? या देखो क्या है कि हम लोग एक तो डाइट को मैनेज कर देते हैं, उसमें कैलोरीज को बैलेंस कर देते हैं। नंबर 2 कि हम उसको कहते हैं कि आउटपुट करो, फिजिकल आउटपुट को। तीसरा है कि कोई भी मान लो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए हम लोग योग की और डाइट की और हमारे ट्रीटमेंट की तीनों की चैन से हम उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। तो उससे जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो वेट रिडक्शन में बड़ा इजी फार्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम उसको ये सिखाते हैं फर्दर कि आप कैसे खाएं, कितना खाएं, कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, अननेसेसरी क्यों खा रहे हैं, वो थोड़ा सा उसके लिए हम लेक्चर्स करते हैं, उनको मेंटली उसको मोटिवेट करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों को वो फॉलोअप करता है क्योंकि उसका तो जस्ट लाइक एक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को पूर्ण रूप से करेगा तो परमेश्वर कुछ ना कुछ सफलता देगा ही। सर ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस व्हाट अबाउट द क्रेविंग्स, कि जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे तो चाय पीनी है, नहीं पीऊँगी तो मुझे लगता है कि नहीं मैं बच नहीं पाऊँगी, देन यही इसी मानसिकता को भी हम बदलते हैं जी। जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, तो क्रेविंग के लिए सब मन का खेल है। एडिक्शन के लोग मेरे पास बहुत आते हैं और मैं आपको बताऊँ कि हमने ड्रग्स पर भी काम किया है, हमने बहुत सारे पार्किंसंस पे भी काम किए हैं। तो बहुत सारे लोगों को 3-3, 4-4 महीने रुका के स्मोक वगैरह छुड़वाइए, सारा कुछ करते हैं लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति किसी नेगेटिव बात को लेके और उसकी 7 पीढ़ियाँ किसी के आना जाना नहीं रखती, उसके साथ संबंध तोड़ देती है जी। तो उसमें कोई तथ्य नहीं मानता मैं जी। मैं कहता हूँ कि उस बुराई के साथ में आप ऐसा करो ना, ऐसा दूरियां बनाओ ना, जैसे कि आप उस एक बात को लेके बैठ गए तो वो बात को भी लो ना पॉजिटिव, जिसकी वजह से हम उसकी तरफ नहीं जाएं जो आपको हार्म है, आपको नुकसान दे रही है। तो परंतु उससे क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि वो भी एक बात है कि आहार का उसमें भी बड़ा रोल है कि हम एक एक ब्लड के, जो आपका ब्लड के अंदर एक एक सेल है उनके अंदर हम लोग जो भी जितना भी टॉक्सिन उसको निकाल देते हैं और वो निकलने के बाद में आपकी सोल है वो इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका मेंटल लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको वो चीज़ आएगी नहीं, न खाने की न नशे की जी। आपको बताऊं कि चाय की बात आपने की, मैं बताता हूँ पूरे देश में नेचुरोपैथी में मैं एक सिंगल व्यक्ति हूँ जो चाय के लिए कहता हूँ चाय पीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको भी कहा, कीर्तिका जी को भी कहा, तो ये मैं क्यों बोला, हम चाहते हैं कि आपको चाय पीनी कितनी है, डोज कितनी लेनी है जी। वो डोज की बात है, हम ये कहेंगे 6 दफ़ा चाय नहीं पिए, आप 100 ml टी 1 से डे लें। अब आप 100 ml टी को 3 टाइम उसको डिवाइड कर दो, 2 टाइम कर दो। अब मेरी
पास किसी व्यक्ति ने ट्रीटमेंट लिया 15 डेज का, वो मेरी प्रॉपर्टी से उतरते सबसे पहले चाय की शॉप पे जाएगा और वो कहेगा कि मुझे चाय पीनी है। मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी चीज़ को बैलेंस करे। जैसे मैं आजकल एक नया फंडा करूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो मान लो कि कोई भी एडिक्शन से आता है, मैं उसकी एडिक्शन को उसकी पर्सनैलिटी को जज करके देखता हूँ, तो उसको 70%, 80%, 90% तक को मैं उसको एक संकल्प दिलाता हूँ प्रभु के नाम का, जिसको भी वो मानता है। मैं चाहता हूँ 70, 80, 90% भी उसकी शरीर से, उसके जीवन से वो चीज़ समाप्त होती है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। इसी के साथ सर बात करेंगे आपके यहाँ के स्पेशल सेंटर के बारे में, वृंदावन की ग्रोथ रेट के बारे में, व्हाट यू से। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि सबसे पहले तो पंजाब के लोगों को, नॉर्थ के लोगों को ये कहूँ कि आपके पास वृंदावन आयुर्वेद चिकित्सालय में इतना सुंदर जगह, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बनी हुई है और हमारी इतनी अच्छी आयुर्वेदा की, नेचुरोपैथी की टीम है जो कि बहुत ही पर्सनल टच देती है, तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को इस जगह आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा, बीमारी होती है तब तो सभी आते हैं, पर बीमारी नहीं हो वो ज़रूर आए, क्योंकि नेचुरोपैथी है वो प्रिवेंशन है जी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आज इस देश के जो छोटे छोटे बच्चों में जिस प्रकार की ऐसे ऐसी इश्यूज आ रहे हैं, कार्डिक इश्यूज आ रहे हैं, डायबिटिक आ रहा है, उनको ब्लड प्रेशर का इशू आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का इशू आ रहा है, तो ये सिनेरियो ठीक नहीं है, क्योंकि देश में 66% यूथ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारा देश यूथ कंट्री है, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, पर हम कहते हैं कि यूथ को हमें ठीक रखना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे देश की डेवलपमेंट की एक, वो कहते हैं ना, हमारी स्ट्रेंथ है। तो हमें उस स्ट्रेंथ को ठीक करने के लिए हमें उनको अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो बच्चे यहाँ आएँ और आके अपने आपके ट्रैक को ठीक करें। उस ट्रैक को नहीं बदलेंगे तो वो अर्ली एज में बहुत सारे एलिमेंट से सफ़र करने लग जाएंगे जी। और आपका चैनल बहुत, मैं बहुत पुराने टाइम से देख रहा हूँ कि वो हमेशा पॉजिटिविटी को बहुत आगे बढ़ाते हैं, तो अपना तो एक ही उद्देश्य है कि अपने देश की यूथ जो जनरेशन है वो गलत ट्रैक पे नहीं जाए, अच्छे ट्रैक पे जाए, और वो नेचुरोपैथी में आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी दिशा दृष्टि बदलेगी जी। थैंक यू सर, आपने बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो जहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट लेंगे। थैंक यू आपका चैनल का बहुत बहुत थैंक यू जी। थैंक यू। सो आपकी बात करवाई हमने डॉक्टर धर्मेंद्र जी के साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जब हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की तो आहार, व्यवहार और इसी के साथ विचार अगर अच्छा है तो नेचुरली जो एक बंदा एक अच्छी लाइफ को अपना जीना चाहता है तो वो जी सकता है। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि बीमारी है तभी ही आना है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इस सेंटर से आपको बहुत सा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और बहुत सी अच्छी और चीज़ें समझने को मिलेगी। धन्यवाद। खास मुलाकात।